नमस्कार स्टूडेंट, आज बात करते हैं एक नए टॉपिक की। आज का नया टॉपिक है कूलम्स लॉ। चलिए बात कर लेते हैं कूलम्स लॉ की। कूलम्स लॉ अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू द प्रोडक्ट ऑफ टू द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑफ द चार्ज ऑफ द चार्जेस प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ स्क्वेयर ऑफ ऑफ स्क्वेयर ऑफ सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन बात करें कूलम्स लॉ की। देखिए बेटा, बात कर रहे हैं अपन कूलम्स लॉ की, तो ये क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ देखिए क्या कह रहा है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, यानी अट्रैक्टिव भी हो सकता है रिपल्सिव भी, यानी अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं। तो क्या कह रहा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस दो चार्जों के बीच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, यानी ये फोर्स है ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी ये क्या कहता है, दो चार्जेस हैं ये अट्रैक्ट, इनके बीच जो इनका जो फोर्स है, इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है रिपल्सिव भी हो सकता है। और चार्जेस कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्जेस कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्जेस। ठीक है, कूलम्स लॉ केवल और केवल पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये क्या कहता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, यानी फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है रिपल्सिव भी हो सकता है बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस, दो चार्जेस के बीच की लग रहा है। ठीक है, और ये क्या कह रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो फोर्स लग रहा है दो चार्जों के बीच वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, चार्जेस के प्रोडक्ट के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए बेटा, देखें पहली बात इसने कही कि देखिए एक चार्ज है, मैंने देखा Q1 चार्ज है, दूसरा है Q2 चार्ज है। देखिए स्टूडेंट, Q1 चार्ज, एक मान लीजिए मैंने ये चार्ज ले लिया Q1, एक चार्ज ले लिया Q2, दो चार्जेस है। ठीक है, ये कैसे हो सकते हैं, ये दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं। ठीक है, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, और दोनों कैसे हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, और एक पॉजिटिव हो सकता है, और एक पॉजिटिव हो सकता है, दूसरा और नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, या ये क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और ये पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है,
या ऐसे नोट करें तो ज्यादा अच्छा है, क्या करें, लाइक चार्जेस हो सकते हैं और अनलाइक चार्जेस, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो सकता है, ठीक, तो क्या करें, और ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, दोनों ही लाइक चार्जेस है और दोनों ही लाइक चार्जेस है तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगी, ये दोनों लाइक चार्ज हैं तो रिपेल कर दिए जाएंगे, क्या करेंगे, रिपल्सन होगा, क्या होगा, रिपल्सन होगा, ठीक है, इस केस में क्या होगा, ये पॉजिटिव तो रिपल्सन, ये नेगेटिव तो रिपल्सन, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, या फिर ये नेगेटिव या फिर ये पॉजिटिव, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा बेटा, क्या होगा, अट्रैक्शन, देखिए, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं, तो दो चार्जेस है Q1 और Q2, क्या चार्जेस है, Q1 एंड Q2, ये पॉजिटिव तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव अट्रैक्शन होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव अट्रैक्शन होगा, ठीक है, तो ये कहता है कि दो चार्जेस के बीच, ये दोनों पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, तो इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, ठीक है, इसको हटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है, तो कहता है आगे बात कर लें, ठीक है, तो कहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन एनी टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस या सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच की दूरी। तो देखिए पहला पॉइंट कहता है कि F जो फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, एक फर्स्ट इक्वेशन, दूसरा कह रहा फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, कैसे, ये कैसे आ गया, देखिए एक मैंने माना था Q1 चार्ज, एक मैंने माना था Q2 चार्ज, Q1 Q2 चार्ज ये पॉइंट चार्जेस हैं, इनके सेपरेशन डिस्टेंस आर ले लिया, ठीक है, तो क्या हो गया, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी सेपरेशन डिस्टेंस क्या हो गया, आर, तो इन दोनों का तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, तो क्या होगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो कॉन्स्टेंट आ जाएगा K, तो क्या कहेंगे कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया आपका फोर्स, क्या होगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, फर्स्ट इक्वेशन, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच की दूरी, Q1 और Q2 चार्ज के बीच की दूरी, ठीक है, तो सेपरेशन डिस्टेंस, तो ये दोनों इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या करेंगे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे कॉन्स्टेंट आ जाएगा, ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हो गया, चले आगे, तो अपने पास क्या आ गया, ये था आप इज इक्वल टू क्या के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, मैं यहां के की जगह क्या ले रहा हूं, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसको प्लेस करता हूं तो इसको रख सकते हैं, और F इज इक्वल टू होगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसमें देखते हैं क्या क्या है, तो ये है F है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्शन और रिपल्सन,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। ठीक है बेटा जी, क्यू वन एंड क्यू टू ये क्या है, चार्ज है, क्या है, चार्ज। ठीक है चार्जेस, ठीक। दूसरा हो गया आर है सेपरेशन डिस्टेंस, आर है सेपरेशन डिस्टेंस, सेपरेशन सेपरेशन डिस्टेंस, सेपरेशन डिस्टेंस। और बात करें वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू होती है, और एक बात कर लेते पहले एप्सिलॉन नॉट इसकी बात करें तो ये होती है परमिटिविटी, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है ये हो गया, इधर देख लेते हैं, हटा देते इसको। ठीक है तो क्या होगा, इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की, ये होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये तो इसकी हो गई, ठीक है, वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10^9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है ये हो गई इन दोनों की वैल्यू। तो आपका फॉर्मूला आया एफ इजिकल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, या कह सकते हैं एफ इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इस ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आई 9 × 10^9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, या एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आई 8.85 × 10^-12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा जी, आगे देखिए और इसकी डायमेंशन भी कैलकुलेट कर लेते हैं, यूनिट तो हो गया, हटा देते हैं इसको। तो आगे बात कर लेते हैं थोड़ा और, आगे बात करते हैं डायमेंशन ऑफ, डायमेंशन ऑफ, डायमेंशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है डायमेंशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो देखिए एफ इजिकल टू है क्या है के, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की आपको डायमेंशन निकालनी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर रख लिया, एफ इंटू आर स्क्वायर इधर आ जाएगा अपॉन क्यू वन क्यू टू। ठीक है अब देखिए फोर्स की डायमेंशन तो वैसे ही आप सब लोगों को पता होती है ML T-2। ठीक है ML T-2 ये हो गई फोर्स की डायमेंशन, ये आर है, आर मीटर में मेजर करते हैं तो एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है एल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन एल टू हो गया। ठीक है और क्यू इक्वल टू क्या होता है आई टी, तो इसकी हो गई ए, इसकी हो गई टी, तो ये हो गई ए टी, और इसकी भी हो जाएगी क्यू वन की ए टी, तो इसकी भी ए टी, दोनों की ए टी ए टी क्या हो जाएगा एटी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा देखिए ये डायमेंशन आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, वो देख लेते हैं क्या आएगा, ये ऊपर हो जाएगा एम एल थ्री टी माइनस टू, ये तो ऊपर की हो गई, नीचे की हो गई ए स्क्वायर टी स्क्वायर, तो ये ऊपर जाएगा तो ये जाएगा एम एल स्क्वायर एल क्यू टी माइनस
टी माइनस क्या होगा, ऊपर जाएगा तो ई माइनस फोर ए माइनस टू, ठीक है, ये हो गई 1/4πε0 की डायमेंशन, ठीक है, 1/4πε0 की डायमेंशन। तो आप देख सकते हैं ये डायमेंशन हो गई 1/4πε0mL³ टी माइनस फोर ए माइनस टू, ठीक है, ये देख लीजिए मैंने कुछ नहीं करा, 1/4πε0 Q1 Q2 r² तो 1/4πε0 को इधर रखा और F इंटू r² Q1 Q2 तो फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन होती है ml t माइनस टू और r² मीटर है तो l² हो गया, ठीक है, तो l² और q = it तो at इसकी at इसकी, तो ये सबको कैलकुलेट करके ये आ गया डायमेंशन ऑफ कूलम्स लॉ, सॉरी डायमेंशन ऑफ 1/4πε0। ये हो गई इसकी, अब आगे देख सकते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं एक और निकाल के, स्क्रीनशॉट लेना चाहे अब ले सकते हैं, ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं एक और डायमेंशन निकाल लेते हैं। आगे की बात करें तो डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन, तो देखिए क्या था, F इक्वल टू था 1/4πε0 के या q1 q2 r² ये हो गया, तो ε₀ को उधर भेज दो, ε₀ ठीक है इक्वल टू होगा 1/4π, ये होगा q1 q2 f(r²), ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, डायमेंशन लेस है कांस्टेंट, ठीक है, ये कैसा है डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो इसकी तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, तो क्या होगा ε₀ q1 q2 की, तो q1 की है 80, q2 की हो जाएगी 80 और इसकी हो जाएगी mLt-2 और इसकी हो जाएगी l², ठीक। तो इधर डायमेंशन की बात कर लेते हैं ε₀, तो एटी क्या होगा a² t² या a² और t² ठीक है, ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा l3 और t-2, इसको ऊपर भेज देंगे तो क्या होगा एप्सिलॉन, तो m-1 l-3 और ये हो जाएगा t4 a² और ये हो गई ε₀ की डायमेंशन, ठीक है, इसके आगे डिस्कस करेंगे अगले क्लास में, ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, थैंक यू सो मच।